ये हमारा चिलिंग यूनिट है, ये कंप्रेसर है और ये कंडेंसर है, ये पंखे लगे हुए हैं इसको। बाद ये टेम्परेचर यूनिट है जहाँ पे जब टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री होता है उसके बाद हम इसको कंप्रेसर इसका पंप चिलिंग पंप ऑन करते हैं। ये वाटर स्टोर टैंक है, सर्कुलेशन टैंक। जब वाटर इसमें कूलिंग होती है, जब कूल होने के बाद इसको इस कैटल के साथ मिक्स किया हो, उसके बाद इसकी सप्लाई इस कैटल में देते हैं। इसमें सारा हमने रॉ मटेरियल वगैरह लिया होता है, टेक्निकल सर्कुलेशन पंप लगे हुए हैं और जो मिक्सिंग कैटल है इसमें हमने सारा रॉ मटेरियल टेक्निकल सब डाले होते हैं और जो वाटर की सप्लाई जहाँ से देते हैं और इसमें हम मिक्स करते हैं मटेरियल। ये पंप नंबर 1 है, इससे हम इस मिक्सिंग कैटल से मटेरियल फर्स्ट वाली डायनामिल में जाता है। तीस वाली डायनामिल है, इसकी कैपेसिटी 30 लीटर है और इसमें 35 के जी बीड्स हैं और इसमें जब ग्राइंड होता है और माल मटेरियल ग्राइंड करके इस ड्रम में फिर उससे यहाँ से सप्लाई दी हुई है इसको सेकंड वाली डायनामिल में और इसकी कैपेसिटी 46 लीटर है और इसमें ये अबाउट 50 के जी बीड्स डालते हैं। सेकंड वाली डायनामिल में माल को ग्राइंड करके फिर इस यहाँ से ड्रम में लेते हैं और यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं हम कैटल में मिक्सिंग कैटल में और जहाँ पे मिक्स कर जहाँ मटेरियल मिक्स करके प्रॉपर फाइनल सैंपल बनता है तो उसके बाद हम लैब में इसको टेस्टिंग के लिए दे देते हैं।